गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ व्हीकल इन अ प्लेन सर्कुलर रोड। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल्ड सर्कुलर रोड। लेवल यानी जो फ्लैट है, ऊपर नीचे नहीं है, सर्कुलर है यानी कि टर्न पर। इन अ शॉर्ट, आप हाईवे में जा रहे हो और उसमें टर्न होते हैं, तो टर्न पर व्हीकल चलता है, ठीक है, और वो ऊपर नीचे नहीं है, लेवल्ड है, मतलब फ्लैट रोड है और बस वो मुड़ी हुई है। वहाँ से आप जब गुजरते हो तो वहाँ की स्टडी के लिए हम ये पढ़ते हैं मोशन ऑफ व्हीकल इन अ सर्कुलर प्लेन रोड। तो इसका मैंने डायग्राम बना रखा है, ये एक सर्कुलर रोड है और कोई व्हीकल है इसमें जा रहा है। ज़रूर इस सर्कुलर रोड है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, यानी आप इसको एक सर्कल अज्यूम करो आर रेडियस का, तो इसका सेंटर है कहीं पे, हमने वो सेंटर बना रखा है। यहाँ इसकी रेडियस आर बना रखा है, ये व्हीकल है। यहाँ मैं चाहता था एक बॉक्स भी रख देता, और जो कि आगे के डेरिवेशन में मैं बॉक्स ही रखूँगा, व्हीकल नहीं बनाऊँगा, ठीक। ये व्हीकल है, व्हीकल में क्या होगा, MG वेट रोड के परपेंडिकुलर जाएगा, जिसको मैंने यहाँ दिखाया है। ये आपको धोखा नहीं खाना है, कोई बिहाइंड नहीं जा रहा है MG के, कार के बिहाइंड जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बट डायग्राम में जब आप ऐसे दिखाते हो कि आपका ग्राउंड है, तो ऊपर रिएक्शन होगी और ग्राउंड के नीचे वेट जाएगा, MG जाएगा। तो आपको विजुअलाइज करना है, डायग्राम का पीछा नहीं करना है कि आप डायग्राम में कहोगे अरे कार के पीछे MG लग रहा है। कार के पीछे नहीं लग रहा है MG, कार के नीचे लग रहा है MG, और रिएक्शन फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अब क्या होता है जब आप कार ड्राइव करते हो, तो जब आपको टर्न करना होता है तो क्या कुछ करते हो भाई, कार को आपको भले कि आप रोड पे जा रहे स्पीड से और धीरे धीरे मोड़ आता है, तो आप क्या करते हो, आप स्टीयरिंग से व्हील को मोड़ते हो। ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग घुमाते ही नहीं हो। स्टीयरिंग मोड़ने का क्या मतलब, स्टीयरिंग मोड़ने का मतलब कि जो आपका व्हील हैं दोनों वो पहले ऐसे हैं, और स्टीयरिंग मोड़ते हो तो व्हील कैसे हो जाते ऐसे, यानी व्हील जो स्ट्रेट था वो टर्न होता है, तो जो सीधा जा रहा था व्हील, अब वो एक तरीके से रोड पे ऐसे आड़ा हो जाता है। पहले सीधा था तो लुढ़कता रहता है, रोल करता रहता है पहिया, लेकिन जब आप ऐसा कर देते हो तो वो खिसकने की कोशिश करता है पहिया, ठीक है। उसमें अंदर की साइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, जैसे ही व्हील आप मोड़ोगे तो वो ऐसे खिसकने की कोशिश करेगा, आगे लुढ़कने की कोशिश भी करेगा, बट वो खिसने की भी कोशिश करेगा, दोनों मोशन आएंगे। क्यों, क्योंकि आपने पहिए को सीधा है तो सीधा रोल करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आपने टेढ़ा कर दिया स्टीयरिंग घुमा के, जब आपने टेढ़ा कर दिया तो सामने की ओर खिसकेगा भी और रोल भी करेगा। बस वो खिसकने के कारण ही स्टेटिक फ्रिक्शन लगता है, μs के कारण। खिसकता तो नहीं पहिया, क्योंकि अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है उसमें, तो अंदर के साइड उसमें फोर्स लगता है और कार आपकी ईजिली मुड़ती चली जाती है, यानी मोड़ पे पहिया घूमता चला जाता है, आपकी कार टर्न हो जाती है। बस तो ये टर्निंग के लिए जो फोर्स चाहिए था वो कहाँ से मिला, ये टर्निंग के लिए जो फोर्स चाहिए था वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मिला। कितने टायर से, चारों टायर में लगा है। भले मैंने दिखा दिया एक जगह, मैंने दिखा दिया कि ये रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किधर सेंटर की ओर लगा है, ठीक, सेंटर की ओर लगेगा जब भी तो सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा। भाई कोई भी चीज़ जो सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को घुमाती है, कोई भी फोर्स है, वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है, क्योंकि वो सेंटर की ओर लग रहा है और जब भी उस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहाँ से आया ये चारों पहियों में आया, सबसे ज़्यादा आगे के दो पहिए में आया है कार के, क्योंकि वही स्टीयरिंग से सबसे पहले घूमते हैं, तो उनमें ज़्यादा आता है, और बाद में फिर आपके पीछे के भी दोनों पहिए टर्न होते हैं, उसके बिहाइंड थोड़ा उसमें भी आता है, लेकिन आगे के पहिए में ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है और पहले वही मुड़ते हैं, और यही कारण है कि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और यही कारण है आगे के पहिए जल्दी घिसते भी हैं। ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसमें लगेगा वो ज़्यादा रगड़ खाएगा, वो ज़्यादा घिसेगा, सीधी सी बात है। तो ये आपके कुल मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, FS प्रोवाइड कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और आपको क्या पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप क्या लिखते हो,
एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर, जहाँ आर रेडियस है उस सर्कुलर पाथ की, एम क्या है उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहे हो, वी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की। यहाँ एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना हुआ है, कौन प्रोवाइड करा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो आप लिख सकते हो एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इंटू आर, भाई अपने को पता है ये होती है, आर इज इक्वल टू क्या है, एम जी है। तो आप एफ एस की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू एस एम जी। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ एस की जगह पे म्यू एस एम जी, तो आपका मिलता है म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। एम से एम कैंसिल हुए, जी को नीचे ले जाओ तो आपको मिलता है म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी। तो अब आप कहोगे क्या हम ये सारा कुछ कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन डिटरमाइन करने के लिए कर रहे हैं, क्या हम म्यू एस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि भाई वेलोसिटी पता है, रेडियस पता है, जी पता है, तो हम म्यू एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं म्यू एस की वैल्यू, न्यूमेरिकल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम यहाँ पे वो वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो कितनी है। तो यहाँ पे आप आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, और वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। एक्चुअली हम ये चीज़ डिटरमाइन कर रहे हैं इस डेरिवेशन में कि वो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है जिस वेलोसिटी से आप कार को टर्न कर लो और कार आपकी स्लिप भी ना हो। कहाँ टर्न कर लो, लेवल्ड रोड पर, लेवल्ड सर्कुलर रोड पर आप कार को इस वेलोसिटी से टर्न कर लो और आपकी कार स्लिप भी ना हो। इससे ज़्यादा वेलोसिटी आप अगर करोगे तो कार आपकी स्लिप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, ये म्यू एस हाईएस्ट यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे ज़्यादा ये प्रोवाइड करा नहीं सकता। और अब जब इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो सीधी सी बात है ज़्यादा फोर्स लगेगा अंदर साइड, और उतना तो फोर्स वो दे ही नहीं सकता। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे ही नहीं सकता स्टेटिक, फिर तो काइनेटिक हो जाएगा, तो स्लिप हो ही जाएगी गाड़ी। तो इन शॉर्ट आप समझ जाओ कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है लेवल्ड सर्कुलर रोड पर, जहाँ की इस वेलोसिटी से आप कार को टर्न कर सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए उस टर्न करने वाले रोड का, कि रेडियस पता होना चाहिए कि इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है। तो क्या कोई नापने जाता है वहाँ पे कितनी रेडियस है, रेडियस देखूँ, फार्मूला रखूँ, रूट करूँ, म्यू की वैल्यू भी आपको पता हो? नहीं, ये सारा काम इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स जो बनाते हैं रोड को, वो कैलकुलेट करके रख देते हैं, और म्यू एस की वैल्यू वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम ही देते हैं सेफ्टी फैक्टर के लिए, क्योंकि बाद में रोड चिकनी हो जाएगी तो क्या करेंगे। आज तो रोड ज़्यादा रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रहा है, 2-3 साल बाद ऑयल के कारण और बहुत सारी वजह से रोड चिकनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप तो बोर्ड में लिखा हो कि भाई नॉट मोर देन 100 किलोमीटर। अब ये तो स्टार्टिंग का था उस मोड़ के लिए कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाद में रोड घिस गई तो म्यू एस की वैल्यू ही बदल गई अब टायर के लिए। और अब आप सोचो कि 100 लिखा तो 90 तो खींच ही देंगे गाड़ी को, और आप 90 से गाड़ी को मोड़ा और गाड़ी आपकी स्लिप होकर खेत में चली गई। तो ऐसा काम नहीं करना है। वो लोग ऐसी जगह पे, यूजली कुछ बोर्ड नहीं होता, आदमी अपनी समझदारी से ही चलता है, कम ही स्पीड से हम चलते हैं तो उतना म्यू एस हमें मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे स्पोर्ट्स वगैरह में, जहाँ स्पोर्ट्स होते हैं, गेम होते हैं, तो वहाँ पे जो कारें होती हैं वो स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि उनको विन करने का लगा रहता है कि अपने को कैसे भी करके विन करना है, जीतना है, तो वो स्पीड से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन मोड़ तो मोड़ ही है भाई, टर्न तो रहेगा ही उसमें, और उस टर्न में जब वो गाड़ी को मोड़ते हैं तो ये इतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडर नहीं करा पाता, तो उनकी कार जो होती है स्लिप आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है। फिर उसमें अपने टैक्ट होता है, अपना हुनर होता है, उन लोगों का प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कार स्लिप होगी तो कैसे अपने को जल्दी से जल्दी कार को मोड़ के और बैलेंस करना है। पिछला हिस्सा पीछे चला जाता है, आगे का
टर्न रोड की तरफ होता है और देन फिर उसको उस डायरेक्शन में स्पीड से आगे बढ़ा लेते हैं। तो यही टैलेंट होता है, बाकी आम आदमी के लिए ये सब कुछ ऐसा नहीं है। तो ये डेरिवेशन हुआ, किसका डेरिवेशन हुआ, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड, ऑन प्लेन सर्कुलर रोड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आता रहता है।